हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप सेल्स ऑफिसर पहली बार कहीं जॉब ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको पहले से क्या क्या तैयारी कर लेनी है और आपको एक महीने के अंदर क्या क्या चीजें करनी है ताकि आपको टीम हैंडलिंग में या डिस्ट्रीब्यूटर हैंडलिंग में या सेल्स को इंक्रीज करने में कोई भी दिक्कत ना आए। क्योंकि अधिकतर जो नए सेल्स ऑफिसर होते हैं वो कहीं भी जॉब ज्वाइन करते हैं तो एक दो महीने ये चीज ध्यान नहीं देते जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, और दो से तीन महीने जब होते हैं तो उन्हें बहुत ही गिल्टी फील होती है, रिग्रेट फील होता है, यहां तक कि वो जॉब छोड़ के चले जाते हैं। क्योंकि ये सारी चीजें अगर आपने पहले सही नहीं करी तो दो से तीन महीने बाद ये आपसे मैनेज बिल्कुल भी नहीं हो पाएंगी। अगर आप नए हैं तो ये वीडियो जरूर देखिए, आपके बहुत ही काम आएगी। और हां, इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपको इसी से इंटरव्यू में क्या क्या चीज पूछी जाती है और क्या क्या चीजें जवाब दे रहा है वो भी आपकी क्लियर हो जाएंगी। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं वीडियो बहुत लंबी नहीं बनाऊंगा, इसको बहुत ही छोटा रखूंगा और वो एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जो कि एक्चुअल एक्सपीरियंस होता है और हर कोई छुपाता है। अगर आप पहली बार कहीं सेल्स ऑफिसर बने हैं तो आपको सबसे पहले चाहे कंपनी हो चाहे आपकी जो टीम हो उसको लगने नहीं देना है कि आपको कुछ भी नहीं आता है सेल्स ऑफिसर के बारे में, आपको टीम हैंडलिंग नहीं आती है। अब दोस्त आप कहेंगे कि जिस कंपनी ने आपको जॉब दी है सेल्स ऑफिसर की उसको हम कैसे नहीं लगने देंगे कि हमें पहली बार जॉब मिली है। तो पहली बार जब जॉब मिलती है सिर्फ एचआर को पता होता है और वो भी एक महीने तक ही वो ध्यान रखता है कि आपको पहले कोई एक्सपीरियंस है या नहीं है। जितने भी पुराने लोग हैं वो मेरी इस बात से एग्री करेंगे, वो भी भूल जाते हैं क्योंकि उनको भी बहुत सारे काम होते हैं और फिर ऑफिस का जो स्टाफ है उसको भी नहीं पता होता एक्चुअल एक्सपीरियंस आपका क्या है और वो आपको वही चीज ट्रीट करते हैं जैसा आप उनको शुरू में एक महीने आभास दिलाओगे या बताओगे उसी आधार पर आपको ट्रीट करेंगे। अच्छा जी अभी आपको एक्सपीरियंस नहीं है, अच्छा ये लड़का तो नया आया है अभी इसको टीम हैंडलिंग कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पहली बार सेल्स ऑफिसर बना है ना तो अभी ये सही से मैनेज नहीं कर पा रहा, ये वाली फीलिंग आने लगती है ऑफिस स्टाफ को। और फील्ड में आते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर क्या सोचता है और टीम क्या सोचती है, टीम भी बिल्कुल वही सोचती है क्योंकि टीम पहले से डरी होती है और वो सोचती है कि यार नया सेल्स ऑफिसर आ रहा है पता नहीं कैसा होगा, क्या इसको हमें तिकड़म पता है, हमें ट्रिक्स पता है मार्केट की, क्या इसको पहले से पता होंगी, अगर नहीं पता होंगी तो चलो अपना 6 से 1 साल यहां पर अच्छी तरह से गुजर जाएगा। तो उनको अगर पहले दिन या दूसरे दिन या पांचवें दिन पता चल गया कि आपको टीम हैंडलिंग नहीं आती या आप टीम हैंडलिंग करेंगे अभी सीख सीख के और मार्केट भी करेंगे अभी सीख सीख के तो वो आपको बिल्कुल भी भाव नहीं देंगे, प्रायोरिटी नहीं देंगे और आपको अपनी नॉलेज से हमेशा दबाने की कोशिश करेंगे या आपकी जो शिकायत है वो ऊपर वाले मैनेजर से करेंगे और आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो बाईपास करेंगे ऑफिस में और या आपके मैनेजर को और आपको काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो पहला जो रूल है उसको ध्यान रख लीजिए कि किसी भी जॉब में कोई भी पोजीशन मिल जाए अपने को दूसरे से पूछना है, ऑफिस वाले से नहीं पूछना, अपनी टीम से नहीं पूछना, दूसरी जगह से सीखना है और उसको अप्लाई करना है। लेकिन सामने वाले को बिल्कुल भी भनक नहीं लगने देनी है कि आपको कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। ये होता है पहला रूल। दूसरा रूल है अपनी सैलरी बिल्कुल भी किसी से ना बताएं। मीठा मीठा बन के ऑफिस वाले और आपकी टीम वाले डिस्ट्रीब्यूटर आपकी सैलरी जानने की कोशिश करेगा क्योंकि सैलरी से ही एक आदमी की औकात मापी जाती है और प्रोफेशनल भाषा में कहें तो सैलरी ही एक मापदंड होती है किसी का भी, उसके अंदर क्या क्वालिफिकेशन है, क्या नॉलेज है, क्या उसकी स्ट्रेंथ है, वो सैलरी डिसाइड कर देती है। तो सैलरी अगर आपने बता दी या सैलरी आपकी पता चल गई मार्केट में टीम को या डिस्ट्रीब्यूटर को तो वो बिल्कुल आपको लेके नेगेटिव हो जाएगा, अगर बहुत ज्यादा सैलरी रहेगी तो नेगेटिव हो जाएगा और बहुत कम सैलरी होगी तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता या इसको अभी बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है इसीलिए इसको इतनी सैलरी मिल रही है। ये दो चीज आपको करनी है। अब आपको टीम कैसे हैंडल करनी है, दोस्तों टीम हैंडलिंग का सबसे बड़ा तरीका है खुद काम करके दिखाओ और तब टीम भी वो काम करेगी। खुद अपना एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। हर दिन आप किसी के साथ मार्केट जा रहे हो, अगर उस दिन 50 कॉल करनी है तो 15 से 20 कॉल आप खुद करें, खुद दिखाएं कि देखो कॉल ऐसी होती है, कॉल इस तरीके से करनी है और उसके बाद हर 3 घंटे पर, हर 2 घंटे पर
आपको उसको फीडबैक दे रहा है कि ये गलतियां हो रही है, ये नहीं करना है, ऐसे करना है, प्रोडक्ट की नॉलेज अभी कम है तुम्हें, मार्जिन की नॉलेज कम है, इसको बढ़ाओ, आज जाके रटना और कल से फिर से मार्केट करेंगे। तो ये होती है टीम को हैंडल करने की, खुद से काम करेंगे और खुद काम करके दिखाएंगे तो टीम आपसे बहुत आसानी से हैंडल हो जाएगी अगर पहले से कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो। दूसरी चीज ये है कि खुद से भी आपको टारगेट करना है, ठीक है। आप हर दिन किसी ना किसी एम्प्लॉय के साथ जा रहे हो, अपनी टीम के साथ जा रहे हो, उसे सिखा रहे हो, खुद भी कर रहे हो, वो ठीक है, लेकिन आपको उस एरिया में कोशिश करनी है कि मोटे मोटे जो होलसेलर है, मोटे मोटे रिटेलर्स है, उनके नाम और मोबाइल नंबर और उनसे ऑर्डर आपको मिलने लगे। तो जब दूसरी जगह से आप खुद से ऑर्डर लेके आएंगे तो आपकी टीम भी मोटिवेट होगी और ऊपर वो आपको बाईपास नहीं करेगी और करने की कोशिश नहीं करेगी, क्योंकि उनका जो बुरा जो ख्याल होगा ना, वो कॉन्फिडेंस धराशायी हो जाएगा, वो भी पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये चीजें हैं जो एक सेल्स ऑफिसर को करनी चाहिए, उसका टारगेट भी पूरा होगा। और क्या होता है, सेल्स टीम अगर आपके हैंडल में आ गई, आपने उसे सही से कंट्रोल कर लिया, तो वही डिस्ट्रीब्यूटर को बताते हैं आपके बारे में कि आप कितने पॉजिटिव हैं, नेगेटिव है, स्ट्रेंथ आपकी क्या है, और डिस्ट्रीब्यूटर भी आपके आराम से कंट्रोल में आ जाएगा। मतलब डिस्ट्रीब्यूटर को भी अगर एक बार पता चल गया कि आप बस ऐसे ही हैं तो वो आपसे जल्दी से कंट्रोल नहीं होगा, आपसे नहीं होगा, आपकी टीम उसे कंट्रोल करने लगेगी और आपके खिलाफ काफी सारे लोग खड़े हो जाएंगे। एक्सपीरियंस मेरा रियल है और बहुत लोगों का एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत लोग नौकरी छोड़ देते हैं, नौकरी चेंज कर लेते हैं, 2 से 3 महीने बाद सेल्स ऑफिसर की वो जॉब कर नहीं पाते, क्योंकि वो गलतियां इतनी कर चुके होते हैं कि बाद में उसको मैनेज करना मैनेज हो नहीं पाता। क्योंकि ये गलतियां वो नहीं है कि मैंने और सेल्स बढ़ा दी, मुझे और ट्रिक्स आ गई, ये गलतियां क्या होती हैं, अपना जो परसेप्शन है, अपना जो पर्सनैलिटी है, उसको आपने किसके सामने कैसा बना दिया, टीम के सामने, डिस्ट्रीब्यूटर के सामने, ऑफिस में, और वहीं से आपका जो नेगेटिव पॉइंट है वो शुरू हो जाता है और आदमी हरासमेंट सह के या बहुत ही फ्रस्ट्रेट होके जॉब को चेंज कर देता है या दूसरी जॉब में चला जाता है। बहुत सारे मैंने ऐसे लोग देखे जो सेल्स ऑफिसर की जॉब छोड़ के वापस अपने सेल्स एग्जीक्यूटिव में चले गए कि भाई मैं तो यहीं पे ठीक हूँ, सेल्स एग्जीक्यूटिव यार बहुत सेल्स ऑफिसर में तो बहुत पंगे हैं, खुद भी काम करो, दूसरे भी काम नहीं करते और उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर आ जाती, ऐसा कहते मैंने सुना है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं और आप बिल्कुल इस चीज को करें।